नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल HP एग्ज़ाम स्टडी पे। जैसा कि आपको पता है कि आज जो है HP में ड्राइवर्स की जो पोस्ट है HRTC में वो निकाल दी गई है, तो आज मैं आपके साथ उसी चीज़ के ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर आपको पूरी डिटेल नोटिफिकेशन होगी कि कितनी पोस्ट जो है वो ड्राइवर की आई है हिमाचल में और किस किस वर्ग के अंदर की कितनी कितनी पोस्टें हैं और इसके लिए जो भर्ती प्रक्रिया है वो क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरी इस वीडियो के साथ बने रहिए, इसको लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। पीछे मैंने आपके साथ काफ़ी वैकेंसी जो वो शेयर की है, तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो HRTC ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2020। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम शिमला ने अनुबंध आधार पर चालक पद हेतु अब विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया गया है। यह विज्ञापन जो है वो सिर्फ जो हिमाचली बोनाफाइड कैंडिडेट्स हैं उन्हीं के लिए है, मतलब कि जो बाहर का कैंडिडेट है, चाहे वो हरियाणा है, पंजाब है, उत्तराखंड है या फिर कहीं भी किसी भी स्टेट का है, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। सबसे पहली बात है कि पोस्ट कितनी है, टोटल 400 पद आए हैं। ठीक है, और ये जो पद हैं ये पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ठीक है, बाद में ये जो है वो रेगुलर होंगे। जो इनका मासिक वेतन है वो है 8,310 रुपये। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो रखी हुई है इन्होंने कि हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त हिमाचल प्रदेश से अवस्थित किसी स्कूल संस्थान से 10वीं की परीक्षा, मतलब आपने हिमाचल में किसी भी स्कूल से 10वीं करी होनी चाहिए। ठीक है, ये सबने की होती है। दूसरी बात कि आपके पास में HTV यानी कि जो हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल होता है यानी भारी परिवहन वाहन, उसका आपके पास में वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 3 वर्ष का एक्सपीरियंस के साथ, तभी आप जो है वो इस पोस्ट को, ड्राइवर की पोस्ट को भर सकते हैं। इसको भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 27 जनवरी 2020, जो गैर जनजातीय क्षेत्र है और जो काफ़ी जनजातीय क्षेत्र है वहाँ के लिए लास्ट जो डेट है वो 3 फरवरी 2020 रखी गई है। अब आगे आते हैं कि इन 400 पदों को डिवाइड कैसे किया गया है। जैसे सबसे पहले जो है वो जनरल कैटेगरी सामान्य वर्ग, इसके अंदर 160 जो है वो पोस्टें हैं। ठीक है, 160 पोस्टें हैं सामान्य वर्ग को, और इसी के साथ सामान्य वर्ग में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उनको 51 पोस्ट हैं, और सामान्य वर्ग में स्वतंत्रता सेनानी के जो बच्चे हैं या फिर वार्ड, उनको बोलते हैं वार्ड, सेनानी के वार्ड हैं, उनको 5 पोस्टें हैं। इसी तरह अनुसूचित जनजाति, उनके लिए 16 पोस्टें हैं, अनुसूचित जाति के लिए 74 पोस्टें हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 58 हैं। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसी के अंदर जो है वो PPL के लिए अनुसूचित जाति के लिए 15 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 है, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है OBC उसके लिए 13 पोस्ट हैं। ठीक है, अब आगे आती है बात कि इसके लिए जो है वो एज लिमिट क्या है। तो 1 जनवरी 2020 को जिनकी उम्र जो है वो 18 से 45 साल के बीच में है वो इस जो है वो ड्राइवर की पोस्ट को भर सकते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए 5 साल की और एज में रिलैक्सेशन है। जो भी इस एग्ज़ाम को भरना चाहता है उसकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही होनी चाहिए या 160 होनी चाहिए, उससे कम जो है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तीसरी बात, आवेदक के पास जो है वो हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस। चौथी बात कि आवेदक जो है वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर कोई भी पहले अनुशासनात्मक निष्कासित ना किया हो। ठीक है, ये उसके ऊपर कोई आरोप नहीं होना चाहिए। पांचवी बात कि आवेदक जो है वो किसी भी न्यायालय से आपराधिक तत्व, मतलब अपराधी में किसी में भी शामिल नहीं होना चाहिए। छठी बात, यदि आवेदक, मतलब आपने अप्लाई किया और आपका चयन हो जाता है तो आपका जो है वो मेडिकल होगा, वहाँ से आपको फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा, तभी आपकी ज्वाइनिंग जो है वो होगी। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है इसका जो फॉर्मेट है वो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे मैं आपको फॉर्मेट बताऊँगा इसका, अप्लाई करने का फॉर्मेट कैसा है। साथ ही आप HRTCHP.com से भी जो है वो इसका आवेदन पत्र है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आवेदक को जो है वो 300 रुपये का अपने डिमांड ड्राफ्ट बनाना है या फिर आप पोस्ट ऑफिस से IPO जो है वो बना के जमा करवा सकते हैं।
ठीक है, जो भी आपका क्षेत्रीय मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका प्रबंधक है उसके नाम पे, ठीक है। उसके बाद जो आपका प्रार्थना पत्र है वो सभी दस्तावेज, जैसे कि आपकी जो 10वीं पास है या फिर आप कोई कैटेगरी से हैं, ठीक है, और आपके पास जो हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस है, उसके जो आपने क्या है फोटोस्टेट जो है वो अपने कार्यालय में है जो है वो जमा करवा देने हैं जाके, ठीक है। और ये क्या है अनिवार्य है। अब ये है कि आप जिस कार्यालय में अपना आवेदन जमा कराएंगे आपका जो सबसे पहले ड्राइविंग टेस्ट होगा वो उसी क्षेत्र में होगा। और यहाँ पर इन्होंने क्षेत्रों के नाम दे रखे हैं, ठीक है, कि कहाँ कहाँ कौन सा क्षेत्र है। तो आप अपना क्षेत्र यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे क्षेत्रीय कार्यालय परवाणु है तो जो परवाने को कैंडिडेट्स है वो परवाणु में अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करना चाहता है तो अप्लाई करे, उसका टेस्ट वहीं होगा। जो पालमपुर से है वो पालमपुर में अप्लाई करे, जो नालागढ़ से है वो नालागढ़ में करे, जो हमीरपुर से है वो हमीरपुर में करे, जो सुंदरनगर से है वो सुंदरनगर में, ठीक है। 300 रुपये का ड्राफ्ट बना के ध्यान रखना है आपने। ये नीचे इसका फॉर्मेट है, ये आपने भरना है। इसके अंदर आपको आवेदक का नाम, आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, जन्म तिथि, आधार संख्या डालना है, आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो डालना है, मोबाइल नंबर, कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस, आप यहाँ पे अपना परमानेंट डाल सकते हैं, जहाँ पर आपको जो है वो भी आगे जो भी जानकारी आएगी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वो आपके पास घर तक पहुँच सके। शैक्षणिक योग्यता 10वीं की डालनी है आपने, 10वीं करी है, 10+2 करी है, ग्रेजुएशन करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, उसके बाद आपका कौन सी श्रेणी में आते हैं उस पर टिक कर देना है। उसके बाद अगर श्रेणी के अंदर भी आप उप श्रेणी में आते हैं तो उस पर आपने टिक करना है। उसके बाद आपके ड्राइविंग लाइसेंस की संख्या क्या है वो लिखनी है, कब वो जारी किया गया, उसकी वैधता कब तक है, और जारी किया गया उस एजेंसी या कि उस मतलब कहाँ से आपने लिया है उसका नाम लिखना है। वाहन चलाने की पात्रता यानी कि सार्वजनिक भारी वाहन बस, उसके बाद यहाँ लिखना है, ठीक है। चालक चालन का अनुभव कितना एक्सपीरियंस है, कितने वर्षों में वो लिखना है। उसके बाद आपने जो 300 रुपये का शुल्क दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं, डिमांड ड्राफ्ट से दे रहे हैं वो लिखना है। यहाँ पे क्या IPO नंबर होगा तो वो लिखना है, दिनांक लिखना है, कार्यालय जिसके नाम पर आप ड्राफ्ट बनाया गया उसका नाम लिखना है। यहाँ पर आपने लास्ट में अपने सिग्नेचर कर देने हैं और यहाँ पर आपने डेट डाल देनी है जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपके साथ मैंने आज पूरी डिटेल शेयर किया है ChatEasy ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2020। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी आने वाली सभी नोटिफिकेशन की जानकारी जो है वो पूरी तरीके से मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।